दोस्तों हम आ चुके हैं वसुंधरा इनक्लेव में और हमारे साथ हैं अजय चौधरी भाई। आप बहुत अच्छे से परिचित हैं भाई से, रेड एप्पल होम्स के नाम से यूट्यूब चैनल है भैया का और काफी सपोर्ट आप सभी का इनको भी मिलता है। तो भैया एक बारी तो यहाँ का एड्रेस लोकेशन अपने अंदाज में थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया क्योंकि आपने इस चैनल पे आए और विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले लोकेशन की बात करूंगा तो ये पड़ेगा दिल्ली से 3 किलोमीटर की दूरी पर, ये लोकेशन पड़ेगी। यहाँ से मेट्रो स्टेशन की दूरी 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आपको बहुत इजी रास्ता है, सिर्फ हमारे नंबर पर आप कॉल करें और रास्ता पूछ लीजिए। बाकी आप अगर अपने कन्वेंस से आना चाहते हैं या अपने बाइक से आना चाहते हैं तो आपको पावी पुस्ता पुलिस चौकी पर आना होगा, यहाँ से हमारा लड़का आपको पिक कर लेगा, आप इजीली हमारी साइड पर आ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो ये जो लोकेशन पड़ता है ये जस्ट ट्रोनिका सिटी के बगल में लोकेशन पड़ता है, दिल्ली के बगल में लोकेशन पड़ता है। तो कुल मिला के यहाँ पर आने में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। इंडस्ट्रियल एरिया कितनी दूर होगा यहाँ से? इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यहाँ पे जाकर के आप जॉब भी कर सकते हैं, आप किसी भी लाइन में हैं उस लाइन का आपको यहाँ पे इजीली जॉब मिल जाएगा। यहाँ पर आप रहिए, यहीं पर काम करिए, रहते रहिए और किस्त देते रहिए। तो हम जो प्लॉट दे रहे हैं या घर दे रहे हैं वो 42 महीने की किस्तों पर यहाँ पर दे रहे हैं। अभी तक हम 36 महीने की किस्तों में दे रहे थे लेकिन अब 42 महीने की किस्तों पर हम प्लॉट दे रहे हैं। हमने जो पिछला वीडियो किया था वहाँ पे 40 महीने थे लेकिन एक्सटेंड कर दिया है 2 महीने और फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि आप 40 महीने का समय लेकर के आते हो। आपको ये भी हम ध्यान में लेके चल रहे हैं कि कभी परेशानी होती है, बीमारी होती है, कभी 1-2 महीने ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए वो पहले ही कर दिया कि 42 महीने हो गया। बिल्कुल, 40 के 42 महीने पहले ही कर दिया। बिल्कुल। अच्छा सर एक चीज और बताओ अब, कि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया तो है ही पास में, मार्केट वगैरह कितनी दूर है, स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पर जब आप आते हो तो सबसे पहले तो दिल्ली में कहीं भी जॉब करो, बाकी स्कूल यहाँ से पास में स्कूल है, दो स्कूल है, एक FRG स्कूल है, दूसरा GR ग्लोबल स्कूल पड़ेगा, CRP स्कूल भी पास में पड़ेगा CRC करके। उसके बाद में मार्केट यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर एवरीथिंग ऑल, कुछ भी आप परचेज कर लो सब कुछ मिलेगा वहां पर आपको। और जो रोजमर्रा की चीजें हैं, सब्जी हो गया आपका, छोटे मोटे परचून की दुकान, तो वो तो आपको बाहर ही मिल जाएंगे। बिल्कुल बाहर मिल जाएंगे। बिल्कुल, जहाँ पर लोग रहते हैं और रहेंगे क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो लोग रहेंगे तो कुछ ना कुछ सुविधा भी वहां पर होंगी। तो आप देखो पूरी बसावट है और ये लोग अगर यहाँ पर रह रहे हैं तो आप भी यहाँ पर बना के इजिली रह सकते हो। ये बस एक्सटेंड किया है, ये एक्सटेंड कर दिया है। तो अब ये कितने बीघे में कॉलोनी होने जा रही है? ये हमारी 50,000 गज यानी कि 50 बीघे में ये प्लॉट हम दे रहे हैं। ये पूरा जो कॉलोनी है 50 बीघे में हम दे रहे हैं, जिसमें आप जो है 25 गज से शुरुआत कर सकते हैं, बाकी का आप कितना भी ऊपर ले सकते हैं। तो अगर 25 गज के मैं प्लॉट की बात करूं तो फिर क्या प्लॉट आपको मिलेगा? 25 गज का 10x25 का भी अपने फ्रंट मिल जाएगा, 10 का फ्रंट मिल जाएगा, 9 का फ्रंट भी है, 10 का फ्रंट भी है, 15x30 का आपको मिल जाएगा, बाकी का 30x30 का 100 गज में मिल जाएगा जी। तो 25 गज का जैसे प्लॉट कितने में पड़ेगा, क्या प्राइस रहने वाला है? हाँ बिल्कुल, 3 लाख रुपए में आपको 25 गज का प्लॉट मिल जाएगा। और क्या अगर बना के लेना चाहते हैं तो हमारे पास जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 8,000 रुपए गज से शुरू। तो हम लोग जो मकान दे रहे हैं वो दे रहे हैं सिर्फ 4.5 लाख रुपए में, मकान बना के तैयार करके आपको दे देंगे 4.5 लाख रुपए में। बिल्कुल, 25 गज का मकान बना, लेंटर वाला, गाटर पट्टी वाला आपको मकान 4.5 लाख में यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर बात करें लेंटर वाले की तो लेंटर वाला का 1 लाख रुपए और ऊपर हो जाएगा, 1 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए में लेंटर वाला मकान जी। 25 गज में इसमें क्या पेमेंट प्लान रहेगा? पेमेंट प्लान आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपने बुकिंग करवा दी शुरुआत में 2100 रुपए लेकर के आइए, जस्ट जिस दिन आप विजिट करने आए 2100 रुपए लाओ, बाकी आप बुकिंग करो, साथ में आप एक टाइम दे दो कि भैया एग्रीमेंट करवाना है, तो 21,000 रुपए देकर के या 51,000 रुपए देकर के एग्रीमेंट करवा लो, बाकी रहे पैसे। आप अगर 4.5 लाख रुपए का मकान लेना चाहते हैं तो उसमें आप हमें 1 लाख रुपए देकर के कर सकते हैं, 1 लाख रुपए अभी दे दो, बाकी के जो पैसे हैं वो 42 महीने की किस्तों में दे दो आप हमें। अगर आप जो है सिर्फ प्लॉट लेना चाहते हो तो 21,000 या 51,000 रुपये एग्रीमेंट करके दे दो, एग्रीमेंट में कर लो, और बाकी का जो पेमेंट है वो 42 महीने की किस्तों में दे दो आप हमें। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और अगर रजिस्ट्री करवानी हो किसी को प्लॉट की, 40% पेमेंट दो, रजिस्ट्री करवाओ, पहले रजिस्ट्री करवाओ, बाकी का 40% दो। अच्छा हाँ, मतलब ये है कि अगर रजिस्ट्री करानी है तो 40% अमाउंट दे दो। बिल्कुल, और 40% देकर के अगर प्लॉट की रजिस्ट्री कराता है देन फिर मकान का कैसे क्या रहेगा? एग्जैक्टली, अगर आपने 40% पेमेंट दे दिया आप मकान बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पहले ही मकान बनाना है तो 21,000 या 51,000 रुपए दो और कब्जा ले लो, शुरू कर दो बनाना। मतलब ये है कि अगर आपका टोटल बजट 40% का है तो उतने में तो आपका मकान समेत काम हो जाएगा। बिल्कुल, बाकी किस्तों में देते रहो। हाँ तो दोस्तों आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, और अगर कुछ रह गई हो
तो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, कॉल करें, जल्दी से जल्दी विजिट प्लान करें।